मैंने बड़ा सुन लिया है, मिथ चल रहा है मार्केट के अंदर। कई लोग मिथ फैला रहे हैं कि मैं ये फ्री दे दूंगा और वो फ्री दे दूंगा। को फ्री किसको अच्छा नहीं लगता चीज के, जो है सबसे पहला तो ब्रांड देखो एक, कि आप वो चीज जो पसंद कर रहे हो किस ब्रांड का ले रहे हो। ठीक है, उस तरीके से आप पूरी लिस्ट बनवा लीजिए अपनी। ठीक है ना, उस लिस्ट को बनवाने के बाद एक एक प्राइसिंग लिखवा लीजिए और टोटल करवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उससे बोलिए भैया अब अपनी बना दे दो लिस्ट। तो जो दो आइटम वो आपको फ्री करेगा ना, वो आपको दो आइटम फ्री करके जो आपकी लिस्ट के अंदर देख लेना, वो पैसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए मिल जाएंगे आप। मतलब कि दो चीज़ें जो फ्री हुई हैं उसका जो अमाउंट है वो किसी ने बाकी प्रोडक्ट के अंदर 18 चीज़ें या 28 चीज़ों में जुड़ जाएंगी। अब 30 प्रोडक्ट है, अब 28 के तो उसने प्राइस लिख दिए, और दो आपको फ्री कर दी, तो 28 चीज़ें बहुत है उन दो चीज़ों को फ्री करने के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ से ना पकड़ के कहाँ इधर से पकड़ लिया गया। यहाँ पर जो मैंने जो महसूस किया, जो मैंने जो जो डिफरेंस देखा, वो देखा एक एक ट्रांसपेरेंसी का, जो मैंने पर्सनली महसूस किया। आई डोंट नो, मतलब सबका अपना अपना व्यूज होता है, लेकिन ओपिनियन होता है, पर मैंने जो महसूस किया वो एक ट्रांसपेरेंसी वाली बात, कि आपको क्वालिटी बता रहे हैं कि सर ये क्वालिटी है और इस कॉस्ट में है। तो वो एक मतलब ऐसा है ना कि ओपनली कोई मतलब नहीं बताता इस तरह से, वो ये बोलते हैं हाँ ठीक है सर हम कर देंगे, और फिर वो फिर बाद में ये होता है कि नहीं वो बताया कुछ और फिर लिया कुछ। तो वो चीज़ मुझे इम्प्रेस की कि क्वालिटी दिखा रहे हैं और साथ में कॉस्टिंग बता रहे हैं, और उसका मतलब उसको इंस्टॉल करने के बाद उसका रिजल्ट भी दिखा रहे हैं। सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, हो रहा है, यहाँ पर टीम है इनके पास, राजन जी के पास पूरी, एंड आई एम ग्लैड टू यू नो कम हियर एंड रियली अप्रिशिएटेड वर्क एंड आई एम फुली सैटिस्फाइड। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार्य की सीरीज करोल बाग में, और अगर मैं सामने खड़ी टाटा पंच ये रहने वाला है इसका बेस वेरिएंट प्योर। गाड़ी का काम सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, यहां पे आप लुक चेक कर सकते हो। तो जिस तरीके से सुबह गाड़ी आई थी उसके हिसाब से अगर बात करी जाए तो कम्प्लीटली लुक जो है वो चेंज हो चुका है। अब क्या कुछ अपडेट इस वाली कार के अंदर किए गए हैं, चलिए उसकी हम बात करते हैं, वो भी डिटेल में। सबसे पहले आप देखोगे इस कार को डुअल टोन के अंदर कन्वर्ट किया गया है। व्हाइट कलर की जो गाड़ी है वो आई हुई थी, इसके ऊपर टेपिंग का काम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कार का जो ए प्लेयर है इसके ऊपर टेपिंग करी गई है, रूफ के ऊपर टेपिंग जो है वो करी गई है। साइड वाले पोर्शन से लेकर कि अपने स्पॉइलर वाले पार्ट तक कंप्लीट जो है वो आपको यहाँ पे टेपिंग का काम देखने को मिल जाएगा। एवरी टेंशन की कुट जो अपनी टेपिंग है वो इस वाली कार के अंदर गिरी गई है, जो कि कॉस्ट करती है अपनी 3000 रुपीज़ की। इसके अलावा क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले आप ये चलते हैं फ्रंट में और बात कर लेते हैं लाइटिंग सिस्टम के अंदर अपडेट की। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कंप्लीट सेटअप आपको LED बेस्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अपना जो पार्किंग बल्ब है उसको चेंज किया गया है, और उसके ऊपर लगाई गई है अपनी DRL लाइट, जो कि डुअल पर्पज में रहती है, कॉस्ट करती है अपनी 800 रुपीज़ की। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपनी 130 वोल्ट की हेडलाइट LED का जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया गया है, और ये अपनी एयरकाइट कंपनी की रहेगी, जो कि कॉस्ट करती है 130 वोल्ट की, जो कि कॉस्ट करती है अपनी 3500 रुपीज़ की। इसमें एक अपना एक्सट्रीम का भी आता है, आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। फॉग लाइट की बात करी जाए तो फॉग लाइट जो है वो अपना प्रोजेक्टर बेस रहने वाली है, और इसके अंदर अपने ट्रिपल कलर वाला जो प्रोजेक्टर है वो इंस्टॉल किया गया है। बेसिकली इसमें ट्रिपल कलर इनबिल्ट नहीं है, LED लगाई गई है ट्रिपल कलर वाली, जो कि अपना आपको मैं चेकआउट करवा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये अपना येल्लो, वॉर्म वाइट और ये अपना वाइट, तीन कलर जो है वो अपना रन करेगा। इसका एक प्रॉपर आउटपुट जो है वो भी आपको पार्किंग मिले चलेंगे, वो भी दिखा देंगे कैसा कुछ रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे डिफ्यूज़र किट का जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया गया है, जो कि अपने रहने वाला है सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ, और यहाँ पे आपको GT की जो मार्किंग है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप चलते हैं साइड पोर्शन पे, तो साइड पोर्शन में क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं उसकी अगर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले साइड का कंप्लीट लुक यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। व्हील कवर इस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलते हैं, तो व्हील कवर का जो अपडेट है वो किया गया है, टाटा का लोगो आपको इसके साथ देखने को मिल जाने वाला है। इसके अलावा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो रूफ रेल्स हैं ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश के साथ ये इंस्टॉल करी गई हैं, गैलियो की रहने वाली हैं, और इसके प्राइजेज जो हैं वो रहने वाले हैं 1500 रुपये के। बाकी गैलियो के ही अपने डोर वाइजर जो हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, ये भी आप चेक कर सकते हो। क्रोम लाइन ये यहाँ पे लगाए गए हैं, हनीकॉम बटन जाएंगे साथ, आपको ये भी देखने को मिल जाएंगे। ग्लॉसी किट का जो अपडेट है वो भी इस वाली कार के अंदर किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो अपना जो हेडलाइट वाला पोर्शन है इसके ऊपर कंप्लीट आपको ग्लॉसी इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। आउटसाइड रियर व्यू मिरर के ऊपर ग्लॉसी इंसर्ट जो है वो दिया गया है। डोर हैंडल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, रियर डोर हैंडल की प्लेसमेंट यहाँ पर है, और अपना जो है टेलट वाला पोर्शन ये कंप्लीट आप चेकआउट कर सकते हो। ये वाली जो ग्लॉसी किट है ये कॉस्ट करती है अपनी 2000 रुपीज़ की। इसमें एक 1500 वाली भी आती है, जिसमें यहाँ पे जो है वो तीन एरो जो है वो बनते हैं, अगर आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। आईपॉप के डोर एज गार्ड जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारा काम रहने वाला है इस कार के साइड पोर्शन से। एक बार आपको रियर में चलता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ क्या कुछ रहेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना इंस्टॉल किया गया है, जो कि 850 की कॉस्टिंग में वर्किंग वाला आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
तो ये इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपना एक रिफ्लेक्टर ये भी रहने वाला है। रिफ्लेक्टर किस तरीके से ऑन होगा, जैसे आप इसको फर्स्ट जो है पोर्शन रोटेट करेंगे तो अपने रिफ्लेक्टर्स ऑन हो जाते हैं। इसके अंदर आपको एक स्कैनिंग मोड मिलेगा, इसके अलावा इंडिकेटर और अपना जो है ब्रेक वगैरह के साथ ये प्रॉपर वर्क करने वाला है। 950 की कॉस्टिंग में जो है ये लगाया गया है। और यहाँ पे आप डिफ्यूजर का रियर वाला पार्ट भी चेक कर सकते हो कैसा कुछ रहने वाला है। ये जीटी वाला डिफ्यूजर नहीं है, नॉर्मल डिफ्यूजर है, बिल्कुल बेसिक 4500 रुपये कॉस्ट में जो है वो आपको ये मिलता है। यहाँ पे आपको डुअल मफलर डिजाइन और पंच की प्रॉपर बैजिंग, यहाँ पे अपना जो है कैमरे की प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में। तो दोस्तों कार के अंदर सबसे पहला अपडेट आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर पेडल लाइट सेटअप जो है वो इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे आप इल्यूमिनेशन जो है वो देख सकते हो, आगे के दोनों दरवाजों में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे ग्लोव बॉक्स के अंदर आपको एक लाइट मिलने वाली है और एक लाइट जो है वो आपको इसके बूट में भी मिलने वाली है। 4 लाइट का सेटअप आता है, कॉस्ट करता है अपना 1500 रुपये का। यहाँ पे आप देखोगे ये अपना एक पंच की वेलकम प्लेट जो है वो भी इंस्टॉल करी हुई है, जो कि एसएस मटेरियल में रहने वाली है, स्टेनलेस स्टील, जिसमें डस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आती। आप चाहो लाइट वाली भी लगा सकते हो, बट लाइट वाली का रिस्पांस इतना अच्छा नहीं होता, मतलब कि उसका जो लाइफ है वो ज़्यादा नहीं होती, जल्दी वो ख़राब हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहो तो ये भी लगवा सकते हो, अगर आप वो चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देखोगे फ्लोर के ऊपर कंप्लीट डाई वाली फ्लोरिंग ये करी गई है, जो कि क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ रहने वाली है। ये आप कंप्लीट जो फ्लोर है वो चेकआउट कर लीजिए, किस तरीके के लुक में आपको देखने को मिल जाएगा। कॉस्टिंग आती है इसकी 2200 रुपये की। डाई वाली फ्लोरिंग का जो अपडेट है वो किया गया है। 2 जेनुइन अपडेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला है अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स का। यहाँ पे आप देखोगे बटन प्रेस किया मिरर फोल्ड, अगेन बटन प्रेस किया मिरर अनफोल्ड। 8500 रुपये में अपना मोटर वाला मिरर जो है वो इस वाली कार के अंदर लगाया गया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, लेफ्ट और राइट भी बिल्कुल प्रॉपर अपना वर्क करने वाला है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी चारों पावर विंडोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे और रियर की पावर विंडोज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। ड्राइवर साइड से ही आप प्रॉपरली ऑपरेट कर सकते हैं। ये विंडो डाउन हो गई और ये विंडो अप हो चुकी है, तो प्रॉपर बिल्कुल अपना जो है वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। कॉस्टिंग की बात करें 10,500 रुपीज़ की कॉस्ट में रियर की पावर विंडोज़ का अपडेट जो है वो इस वाली कार के अंदर किया गया है। स्पीकर्स लगे हैं पायनियर के, फ्रंट डोर के अंदर कंपोनेंट रहने वाले हैं और रियर डोर के अंदर कोहियर स्पीकर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा अंदर की तरफ आप देखोगे तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर डुअल टोन मून डिजाइन रैपिंग का काम किया गया है, जो कि अपना कॉस्ट करता है 800 रुपीज़ का। और इसके साथ डब्बा पैक टाटा जेनुइन स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल भी इंस्टॉल किए गए हैं और ये रहने वाले हैं प्रॉपर पेयर्ड म्यूजिक सिस्टम के साथ। वॉल्यूम माइनस हो रही है, वॉल्यूम प्लस हो रही है, म्यूट एंड म्यूट वर्क करेगा। और अपना यहाँ से आप देखोगे तो बीटी वगैरह के सारे बटन बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग आपको मिल जाएंगे। 3500 रुपीज़ की कॉस्ट में ये जो अपने कंट्रोल्स हैं वो लगाए गए हैं। इसमें एक 2500 वाला वेरिएंट भी आता है, बट वो क्या होता है वो अपना मायापुरी वाला, मतलब जिसको कहा जाता है कि वो रिप्लेस पीसीज होते हैं, पुराने होते हैं, तो अगर आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो, बट ये वाला जो है वो आपको डब्बा पैक मिल जाएगा ग्लॉसी ब्लैक की फ्रेम के साथ में। बाकी दोस्तों सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम का जो अपडेट है वो भी रहने वाला है। 9500 रुपीज़ की कॉस्ट में मिंडा का अपना जो म्यूजिक सिस्टम है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किया गया है। रिस्पॉन्स वगैरह किस तरीके का है उसकी अगर हम बात करें, टच का रिस्पॉन्स आपने देखा, अंदर से भी आपको एक बार इंटरफेस दिखा देते हैं। तो इसमें आपको क्रोम ब्राउज़र, मैप, प्ले स्टोर, बीटी म्यूजिक, यूट्यूब और जेड लिंक के थ्रू आप इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल का प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी कनेक्टिविटी जो है वो आपको मिल जाएगी, तो ये रहने वाला है। इसके साथ एक रियर व्यू कैमरा भी इंस्टॉल्ड है, उसके भी आपको रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा कुछ रहने वाला है। तो रियर व्यू कैमरे का रिस्पॉन्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। HD विजन, नाइट विजन जो कैमरा है वो यहाँ पे लगाया गया है। डे में और नाइट में दोनों में आपको सेम रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छी क्लियर विजिबिलिटी, काफ़ी अच्छी और क्लियर विजिबिलिटी जो है वो आप इसके साथ नोट कर पाएंगे। बाकी ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अपना जो केबिन लैंप है वो भी चेंज किया गया है, इसमें हेलोजन यूनिट आती है, LED बल्ब जो है वो इंस्टॉल किया जा चुका है। और आप देखोगे तो इस वाली कार के अंदर आप चाहो तो एम्बिएंट लाइट वगैरह का भी काम करवा सकते हो, जो कि इस वाली कार में नहीं हुआ, बट लगवाना चाहो तो लगवा सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर हम सीट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल बकेट जो अपनी सीट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और डुअल टोन के पैटर्न के साथ हैं। इंटीरियर मैच सीट कवर जो है वो कहे जाते हैं, जिसमें आपको परफोरेटेड फिनिश इसके सेंटर वाले पार्ट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये सीट कवर्स हैं ये रेगुलर वाले से थोड़े कॉस्टली हैं, 65 रुपये कॉस्ट वाले जो सीट कवर्स हैं वो लगे हैं। लेमिनेशन फिनिश के साथ है और काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग आपको इसके साथ व्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी क्वालिटी के जो सीट कवर्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। बाकी आप यहाँ पर देखोगे तो अपने सेंटर में आर्म रेस्ट का जो अपडेट है वो भी किया गया है, थोड़ा सा प्रीमियम वाला आर्म रेस्ट है, वुडन टाइप में प्रीमियम आर्म रेस्ट जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जिसमें आपको स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो ये सब अपडेट किए गए हैं इस वाली कार के इंटीरियर में। इसमें एक वुडन वाले के अलावा अगर आप चाहो तो वो जो यूनिवर्सल है वो भी लगा। साथ ही दोस्तों ये जो अपने मिरर्स हैं वो आपको की के साथ भी ऑपरेशनल देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले आप यहाँ पे जो इसकी की है वो चेक कर सकते हो। तो अपनी RD कंपनी की स्टैंडर्ड लॉकिंग का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, जिसमें आपको फ्लिप की का जो फंक्शन है वो
देखने को मिल जाएगा। तीन बटन है, एक लॉक का है, एक अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से आप म्यूट लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अब इसके साथ इसकी वर्किंग भी दिखाते हैं। लॉक करूंगा तो जैसे बटन प्रेस किया मिरर जो है वो अपने फोल्ड हो जाएंगे, और अगेन बटन प्रेस करेंगे तो मिरर अपने अनफोल्ड हो जाते हैं। 3500 रुपए की कॉस्ट में जो अपनी यहाँ पे फिलिप की लगाई गई है हार्डी कंपनी की वो इंस्टॉल्ड है, और 4500 रुपए में अपने आउटसाइड मिरर जो है वो लगाए गए हैं। बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि लाइट का रिस्पॉन्स भी दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आपको भी ले आ चुके हैं पार्किंग में, और दिखाते हैं कैसा कुछ रिस्पॉन्स जो है वो आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जो फॉग लैंप्स है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट स्विच ऑन करोगे तो अपनी जो फॉग लाइट है वो यहाँ पे ऑन हो जाती है, और फॉग लाइट का जो रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। फॉग लाइट ट्रिपल कलर में रहने वाली है, बंद करके दोबारा जलाएंगे तो ये येलो जलेगी, यानी फॉग वगैरह के लिए आपको काम करेगी। उसके अलावा एक वॉर्म वाइट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये अपना हेडलाइट का जो रिस्पॉन्स है वो रहने वाला है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अंदर भी क्या है कि फॉग लाइट के साथ भी अगर आप हाई चाहते हो तो फॉग लाइट के साथ भी अपना हाई जो है वो भी अपना वर्क करेगा, और अपना हेडलाइट के साथ भी हाई बीम जो है वो अपना वर्क करने वाला है। तो प्रॉपर रिस्पॉन्स ये आपके सामने है। अब जानते हैं कार के ओनर से कि उनको ये सारा काम जो है जो भी किया गया, चाहे लाइटिंग सिस्टम के अंदर हो या गाड़ी के अंदर, वो कैसा लगा है। तो दोस्तों कार की सारी चीज़ मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन ओनर से मिलवाने से पहले कुछ क्वेश्चन है जो कि राजन भाई से जानने बहुत जरूरी है। अब ये बताइए कि मार्केट के अंदर कुछ चीजें चल रही हैं, लोग कहते हैं हम सेंटर लॉकिंग फ्री दे देंगे, फ्लोरिंग फ्री देंगे, और कस्टमर भी हम लोगों से लगातार यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस तरीके से चीजें लोग फ्री में कैसे दे देते हैं। तो वैसे तो मैं आपको बताऊं, मैंने बड़ा सुन लिया है, मिथ चल रहा है मार्केट के अंदर, कई लोग मिथ फैला रहे हैं कि मैं ये फ्री दे दूंगा और वो फ्री दे दूंगा। कई कस्टमर भी मेरे पास आते हैं, उनका भी क्वेश्चन सेम रहता है कि भैया आप ये माल दे रहे हो, लगा रहे हो, मेरे बिल बना रहे हो, तो दूसरी दुकान वाला कोई इंसान मेरे को ये दोनों चीज़ें फ्री दे रहा है। तो देखो मैं 100% जो कस्टमर मेरे पास आता है मैं समझा देता हूँ उनको, और जितने भी कस्टमर आए हैं उनको समझाया, उन्होंने आराम से काम कराया। हमारे प्रीमियम कस्टमर आते हैं, सारे अच्छे कस्टमर आते हैं, काम कराते हैं हमारे से और समझ जाते हैं मैं क्या समझाता हूँ। तो आज आपने पूछा है साकिब भाई, तो मैं वीडियो में समझा देता हूँ ऑन वीडियो कि ये होता क्या है। वैसे बहुत अच्छी बात है अगर हम ऑनलाइन ये किसी को समझा पाएँ तो इससे बहुत सारे लोगों के ना डाउट क्लियर हो जाएंगे और वो लोग बच जाएंगे, उस स्कैम से बच जाएंगे जो वो स्कैम में फंसने वाले हैं। कई लोग सोच भी रहे होंगे, देखो फ्री किसको अच्छा नहीं लगता, पहली बात फ्री सबको अच्छा लगता है। फ्री वो भी दो चीज़ें ऐसी जो कि कॉस्टली होती है तो अट्रैक्ट करती है एक इंसान को, तो बंदा अट्रैक्ट होके उस स्कैम में फंस जाता है। ये एक बात ध्यान रखना, जो स्कैम होता है ना वो हमेशा बड़ा ही होता है। सपोज करो अट्रैक्टिव चीज़ जो होती है ना, ज़्यादा अट्रैक्टिव, वो स्कैम में फंसाती ही फंसाती है। ये बात बहुत बड़ी बात है, ये अगर बात हर कस्टमर समझ ले। तो मैं समझाऊं उस तरीके को, तो सपोज करो जैसे हमने एक लिस्ट बनाई है, अगर हम लिस्ट में हमारे पास मान लो इस जैसे मेरे पास जो ये लिस्ट है इसके अंदर 13 आइटम्स है, ठीक है 13 आइटम्स में इनका 39,000 रुपये का बिल था भैया का, इसमें 38,000 रुपये भैया ने मुझे पे कर दिए, ठीक है जी। इनके 13 आइटम्स है, अब मैं इस 13 आइटम्स में ना बिल सेम रखूंगा लेकिन दो चीज़ें फ्री कर दूंगा, वो मेरे लिए बहुत आसान रहने वाला है। ये तो सुनने में अच्छा लगेगा, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। 38,000 रुपये में आपने 12 चीज़ें लगवाई और 11 चीज़ लगाई और 2 चीज़ें आपको फ्री मिल गई। तो देखो अगर मैं इन चीज़ों को ऐसे, मतलब एक सुनने और बोलने का तरीका तो होता है ना, अट्रैक्ट करने वाली बात होती है। सपोज मैंने 13 चीज़ें ये लगाई हैं, मैं बोल देता हूँ इसमें से 2 आइटम भैया आपके लिए फ्री है, तो आप इसमें 2 चीज़ें आप देखोगे जो सबसे बड़ी क्या लग रही है आपको। तो मैं बोल देता हूँ सीट कवर आपके लिए फ्री, और उसके बाद आपके लिए एक सेंटर लॉक फ्री, लेकिन वो सीट कवर और सेंटर लॉक का जो पैसा है वो आपके बिल में से ही निकलेगा, इस बात की गारंटी आप लिखवा लो। और अगर इस बात का विश्वास नहीं है तो उसका भी एक तरीका है आपको, अगर आप एक लिस्ट बनवा रहे हो, पर्टिकुलर एक लिस्ट बनवा रहे हो, आप पूरी लिस्ट बनवा लो। मतलब ये टेस्ट करने का तरीका है, अगर आप किसी को टेस्ट करना चाहो, आप अगर किसी को टेस्ट करना चाहते हो तो सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप एक लिस्ट बनवाओ, आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, मतलब जो जो आपको चाहिए ना उस चीज की एक पूरी लिस्ट बनवाइए आप, चाहे वो 20 चीज हो या वो 50 चीज हो। सपोज करो आपकी 30 चीजों की लिस्ट है, ठीक है 30 प्रोडक्ट है उसके, आपकी पूरी लिस्ट का रिक्वायरमेंट आपकी 30 चीजों की है, 30 चीजों की है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो आप एक एक चीज के जो है, सबसे पहला तो ब्रांड देखो एक, कि आप वो चीज जो पसंद कर रहे हो किस ब्रांड का ले रहे हो, ठीक है, उस तरीके से आप पूरी लिस्ट बनवा लीजिए अपनी, ठीक है ना। उस लिस्ट को बनवाने के बाद एक एक प्राइसिंग लिखवा लीजिए और टोटल करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उससे बोलिए भैया अब अपनी बना दे दो लिस्ट, तो जो 2 आइटम वो आपको फ्री करेगा ना
वो आपको दो आइटम फ्री करके जो आपकी लिस्ट के अंदर देख लेना, वो पैसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए मिल जाएंगे आपको। मतलब कि दो चीजें जो फ्री हुई हैं उसका जो अमाउंट है वो किसी ने बाकी प्रोडक्ट के अंदर 18 चीजें या 28 चीजों में जुड़ जाएंगे। अब 30 प्रोडक्ट है, अब 28 के तो उसने प्राइस लिख दिए और दो आपको फ्री कर दी, तो 28 चीजें बहुत है उन दो चीजों को फ्री करने के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ से ना पकड़ के कहां इधर से पकड़ लिया गया, पकड़ लिया जाएगा। सपोज करो आपको डैम्पिंग फेल दी गई बेफालतू में, आपकी गाड़ी में डैम्पिंग की जरूरत नहीं है, आपकी टाटा की गाड़ी है। सपोज करो अगर आपकी गाड़ी के अंदर डैम्पिंग की जरूरत नहीं है और आपको वो जबरदस्ती फोर्स कर रहा है भैया डैम्पिंग घुसेड़ो डैम्पिंग घुसेड़ो डैम्पिंग घुसेड़ो, आप 5-6 हजार की डैम्पिंग घुसेड़वा लो उसके अंदर, वो कहीं ना कहीं से उसी चीज को कवर करने के लिए वो आपको डैम्पिंग घुसेड़ देगा उल्टी सीधी कंपनी की, उसमें उसके 3-4 हजार रुपए कवर हो जाएंगे, आपका सेंटर लॉक का पैसा कवर। एक चीज और, अगर आपको उसको फ्री देनी है तो वो आपको उल्टी सीधी एलईडियां दे देगा। मतलब जो एलईडी 100 वोल्ट भी कंप्लीट नहीं है ना, वो आपको 250 वोल्ट वाले दे देगा। बट डब्बे पे तो लिखा रहेगा, डब्बे पे तो देखो 500 वोल्ट लिखवा दूंगा मैं, चाइना से आती है माल, प्रोडक्ट सारा चाइना से आता है, डब्बे पे आप 500 वोल्ट लिखवा दो, वो 500 वोल्ट थोड़ी हो जाएगी। आप पर्टिकुलर एक ब्रांड पे जाओ, अगर आप ब्रांड पे जाओगे ना तो ब्रांड की आपको ये श्योरिटी मिलेगी कि भैया इस ब्रांड का ले रहा हूँ तो इस ब्रांड का जो पैसा है ना वो मार्केट में ज़्यादातर सिमिलर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना वो फ्री के स्कैम से बच सकते हैं। और वो सब चीज़ें कैसी होती हैं, जैसे कि मान के चलिए उसने सस्ते में लगा दिया जी, फिर लास्ट में बिल जब काउंट होता है पूरा जी, तो वो एडिशनल चीज़ें भी तो जोड़ देते हैं। एक चीज़ और है साकिब भाई, जैसे पूरा बिल बन गया, सपोज करो उसने आपके आइटम्स में से नहीं निकाल पाया क्योंकि आपने पूरी मार्केट घूम ली, या फिर सपोज करो आप मेरे पास आ गए, मैंने आपको समझा दिया, तो उसके पास चॉइस क्या रह जाएगी, वो 28 आइटम में से आपके दो आइटम के पैसे नहीं निकाल पाएगा। लेकिन फिर वो आपके लेबर चार्जेस लगाएगा, 5,000 रुपये लेबर लगेगा जी, और 1,000 रुपये आपकी वायरिंग का खर्चा आया है, और लेबर कपलर रिंग वायरिंग ये वो अगड़म जगड़म लिख देगा। अगर आपको रियलिटी चेक करना है ना भैया, तो 30 आइटम लिखवाओ, उसके बाद उससे बोल दो ना इसके अंदर मैं कपलर दूंगा ना रिंग दूंगा ना वायरिंग दूंगा, 1 रुपया एक्स्ट्रा ना लेबर का दूंगा ना किसी चीज़ का दूंगा, इंक्लूड बता दे भाई कि आइटम का कितना दे रहा है। ठीक है, तो सपोज करिए आपको कहीं पर रेट की कम मिलता है रेट कहीं पर, तो आप उससे जो है फाइनल करते टाइम ये बोल दीजिएगा, जैसे 38,000 रुपये में बिल फाइनल हुआ जी, तो जब पेमेंट करूंगा तो 38,000 की ही पेमेंट करूंगा, बिल्कुल उसके उस टाइम पे ना लेबर एक्स्ट्रा दूंगा ना ही किसी कपलर के पैसे एक्स्ट्रा दूंगा। एक बात और उससे कम कर लेना भैया, आपको जो वो ब्रांड बता रहा है ना वो आपको वही ब्रांड देना चाहिए, ये नहीं कि आपको उसने गैलियो की रूफ रेल बता दी बाद में बोल रहा है भैया गैलियो की तो खत्म हो गई है मैं फलाना की दे दूं, ये उससे अच्छी है ये उसी जैसी है या उससे अच्छी है। हाँ। पैसे कवर हो जाएंगे आपके 2 मिनट के अंदर। या फिर जैसे सपोज करो आपने एंड्रॉयड मांगा उससे एक्सट्रीम कंपनी का, पकड़ा दिया आपको अनदर कंपनी का, स्कैम है भाई साहब सीधा सीधा। जी टिकट के नाम पे लोग पागल बना रहे हैं बड़े मार्केट के अंदर। मेरे पास कस्टमर आते हैं बोलते हैं भैया मैंने सारा काम करा लिया, उसने मेरे को बोला सारा आइटम सस्ता सस्ता लिख दिया, एमटेक की जी टिकट लिख दी, और लास्ट में काम जो है कुछ जो दिखाया कुछ लगाया कुछ, एमटेक की जी टिकट है नहीं उसके पास, मुझे एमटेक की जी टिकट दे दो। ये तो कई बार मेरे साथ भी हुआ है, मुझे तो बोलते हैं लोग कि आप लगवा दीजिए, अब हम कैसे लगवा देंगे जब आपने सारा काम वहां करवा लिया। सीधी सी बात है यार, आप देखो ना वो बंदा आपको जो आइटम उस पर है ही नहीं वो बोल रहे मैं लगा दूंगा और एंड में मना कर देगा आपको, या तो उससे पहले पक्का कर लो मुझे आइटम दिखा दे। वो अगर आपको बोल रहा है एमटेक की जीटी किट दे दूंगा तो उससे बोलो एमटेक की जीटी आंखों के सामने लाके रख दे, तभी काम शुरू करवाओ, बात खत्म, सीधी सी बात है। तो ये इसमें तो कस्टमर को समझदार होना चाहिए कि उसको जो है किस तरीके से काम करवाना है। अब नए नए आ रहे हैं ये फ्री वो फ्री दे दिया और कस्टमर स्कैम में फंस गया, काम कर दिया उसकी गाड़ी खराब कर दी पूरी। अब ये सोचो जो बंदा नया नया एक गाड़ी कर रहा है उसके कस्टमर को उसके लड़कों को खोलने तक नहीं आती गाड़ी, आप उससे काम करा रहे हो। टाटा की गाड़ियाँ आप लोग कभी भी देखोगे तो टाटा की गाड़ियाँ कॉम्प्लिकेटेड होती हैं एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी या दूसरे ब्रांड के मुकाबले में। 8-9 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, 8-9 लाख की आपने गाड़ी ले ली, उसके बाद जो है ना आपने खुलवा दी ऐसे लड़कों से जिनको पेचकस नहीं पकड़ने आता, आपकी गाड़ी की ऐसी तैसी कर देंगे। एक लेबर लग रही है 5,000 रुपये, एक लेबर कर रहा है 1,000 रुपये में, 4,000 रुपये लेबर अगर दुकानदार बचा के आपकी गाड़ी के अंदर उल्टा सीधा लड़का फेंक देगा तो गाड़ी आपकी खराब होगी भाई साहब, पैसे तो उसको दुकानदार को मिल ही जाएंगे। मेरे पास आओगे मेरे लड़का एक एक देख लेना भाई साहब, आग पे पट्टी बांध के गाड़ी खोल देगा,
एक्सपीरियंस होता है बेसिकली, बेसिकली पूरा काम एक्सपीरियंस पे होता है। और आप भी चाहोगे कि आपका गाड़ी का काम ऐसा हो कि जिसमें आपको बार बार आने की जरूरत ना हो। बिल्कुल 100%। ठीक है जी, सिर्फ दो ही चीजें देखना, ब्रांड और जो लड़का गाड़ी में काम कर रहा है, और प्रोडक्ट देखिए फिर प्राइस के साथ। बिल्कुल, फाइनल बिल बनवाइए उसके बाद काम स्टार्ट करवाइए, ताकि आप लोग भी जो है इन चीज़ों से बचें। हमारा काम जो है आप लोगों को बताना है, बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। आदि है, मिलते हैं कार के ओनर से। सर जानते हैं सर का कैसा कुछ फीडबैक रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। राज सिंह मेरा नाम है, गाजियाबाद से मैं आया हूँ। गाजियाबाद से जी। तो बेसिकली यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मुझे यूट्यूब पे पता चला कि डेकोरम कार के बारे में। मैंने गाड़ी लेने से पहले प्लान किया था कि गाड़ी को यू नो थोड़ा सा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वर्क थोड़ा सा कराने के लिए आई वॉज प्लानिंग फॉर दैट। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रिसर्च करते, तो आई वॉज यू नो जस्ट वॉन्डरिंग रिगार्डिंग दिस थिंग। तो मैंने देखा कार डेकोरम का वहाँ पर वीडियो, तो मुझे मतलब जो उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी से यू नो कॉस्टिंग को और क्वालिटी को बताया जा रहा था, तो वो दैट थिंग वॉज इम्प्रेस्ड मी, एंड वो एक रीज़न था कि मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर के आया। तो यूट्यूब पे जैस क्योंकि आपने यूट्यूब पे देखा होगा बेसिकली, यूट्यूब पे और लोगों की भी तो वीडियोस आती हैं। और वीडियोस थे, यस एब्सोल्युटली सेवरल वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस वर देयर, बट यहाँ पर जो मैंने महसूस किया, जो मैंने जो डिफरेंस देखा, वो देखा एक ट्रांसपेरेंसी का, जो मैंने पर्सनली महसूस किया। आई डोंट नो, मतलब सबका अपना अपना व्यूज होता है, लेकिन ओपिनियन होता है, पर मैंने जो महसूस किया वो एक ट्रांसपेरेंसी वाली बात कि आपको क्वालिटी बता रहे हैं कि सर ये क्वालिटी है और इस कॉस्ट में है। तो वो एक मतलब ऐसा है ना कि ओपनली कोई मतलब नहीं बताता इस तरह से, वो ये बोलते हैं हाँ ठीक है सर हम कर देंगे, और फिर बाद में ये होता है कि नहीं वो बताया कुछ और फिर लिया कुछ। तो वो चीज़ मुझे इम्प्रेस की कि क्वालिटी दिखा रहे हैं और साथ में कॉस्टिंग बता रहे हैं, और उसका मतलब उसको इंस्टॉल करने के बाद उसका रिजल्ट भी दिखा रहे हैं। सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, हो रहा है यहाँ पर, टीम है इनके पास, राजन जी के पास पूरी, एंड आई एम ग्लैड टू यू नो कम हियर एंड रियली अप्रिशिएटेड वर्क। एक माइंड में होता है ना सर कि जाने के बाद इस तरीके का काम मिलेगा, तो अब कंप्लीट वो उस तरीके का फील आएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं तो बहुत मतलब ये फीडबैक तो ये एक मतलब वो है, बट मुझे जो लगता है कि एक माउथ पब्लिसिटी भी बहुत मतलब यू नो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, मतलब यूट्यूब अदर मीडिया सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें हैं, बट माउथ पब्लिसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है, बिकॉज क्या है ना कि प्रैक्टिकली आप किसी को अपना एक्सपीरियंस बताते हो और वो ज्यादा इफेक्ट करती है, बिकॉज अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको आप किसी सोशल मीडिया पे देख करके कुछ आओ तो आपको इफ एंड बट रहेगा, लेकिन अगर मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा करके और ये कहूँ कि आप डेकोरम कार जाइए और अपना ये काम कराइए, मैंने कराया है, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम श्योर कि उससे ज्यादा इम्पैक्ट आपका ये माउथ पब्लिसिटी का होगा, करता है वो, तो यकीन दैट्स मैटर्स एक्चुअली, बिकॉज मैं प्रैक्टिकली महसूस कर रहा हूँ उस चीज को और किसी ने वर्बली बोल दिया है, तो दीज आर टू यू नो लिटिल डिफरेंस बिटवीन दिस। ठीक है, अब ये बताइए सर कि जिन जिन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट थी वो सारी एक्सेसरीज यहाँ पे वो आपको सारी चीजें मिल गई हैं, वन पॉइंट पे वन सोल्यूशन मतलब कार डेकोरम में मुझे मिला है, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी with the quality, with the services, and with the rates also. Frankly speaking, मेरा इतना बजट नहीं था, but quality को और under one roof सारी चीज़ें मुझे मिल गई, इसलिए मेरा थोड़ा मतलब मुझे अपना बजट भी extend करना पड़ा। I was planning for 50K for this, you know, upgradation of my car, but जब मैंने अभी मैं final payment पे पहुँचा हूँ, that is 80K. तो यू कैन यू नो कैलकुलेट की 30,000 मैं अपने बजट से एक्सटेंड हुआ हूँ, मतलब कि कहा जाए तो आपने करीब करीब 40% का जो है वो इंक्रीमेंट किया है, बिकॉज मुझे क्वालिटी एंड सर्विसेज अंडर वन रूफ मिला है, एंड दैट क्रेडिट गोज टू यू पीपल, आई मीन द टीम ऑफ कार डेकोरम एंड मिस्टर राजन जी, थैंक यू सो मच। एंड आई होप एक चीज मैं और कहूँगा कि इन्होंने मुझे सर्विस अश्योरेंस दिया है, दैट मैटर्स फॉर मी, बिकॉज पता है क्या, सेल आउट करना तो कोई भी कर देगा, मैं कहूंगा मैं कर सकता हूँ या कोई एक्सपर्ट कार बेच रही है, हाँ, तो अगर वो सर्विस नहीं देंगे, अगर सर्विस वो नहीं देंगी तो दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट सस्टेन। यहाँ पर जो डिफरेंस है बाकी में और ये राजन जी के यहाँ मतलब कार डेकोरम में,
दे अशोर्ड मी कि आपको इसमें कोई चीज़ों में इशू होता है, यू कैन कम टू अस एंड वी विल गिव यू द रिजोल्यूशन. ठीक है जी, तो दैट इज थिंग, यू नो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी. और यहाँ पर भी एक चीज़ मैं ऐड कर दूंगा एज अ नोट, आप ये देख लीजिएगा कि सैटरडे और संडे को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि उस दिन ज़्यादा रश होता है. यस आई न्यू इट, मैंने ये आपके वीडियोस में देखा हाँ. था, दैट्स व्हाई आई चूज दिस फ्राइडे ओनली, एंड यू नो आई हैव टेकन यू नो ऑफ फ्रॉम माय ऑफिस, बिकॉज मुझे पता था कि अगर कंपनी अगर कोई भी चीज़ का काम करना है तो वो प्रॉपरली थारोली टाइम लेकर के होता है. और जाहिर सी बात है 7-8 लाख रुपए गाड़ी है, आपने बहुत मेहनत से जो है वो ली होगी, उसके लिए एक दिन निकालना बनता है. एग्जैक्टली. तो ये जो आपने एक दिन छुट्टी करी, जो भी आपने मतलब अपना नुकसान किया बेसिकली कहा जाए, तो ये यहाँ पे आने के बाद वो वर्थ हो गया. वर्थ इट हो गया, अनडाउटेडली वर्थ इट. एंड कांग्रेचुलेशन टीम राजन एंड कार डेकोरम, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. दैट्स इट.